દાદરાનગર હવેલીના નારોલીમાં 4 વર્ષની માસૂમ બાળકીની હત્યા કરાયેલી હાલતમાં લાશ મળી આવતા તેના પિતાએ પણ ફિનાઇલ પી લઈ આત્મહત્યા કરી લીધાનો બનાવ બન્યો છે. સેલવાસ નજીકના નારોલીના એક એપાર્ટમેન્ટમાં રહેતા પરિવારની 4 વર્ષની માસૂમ બાળકીની તે જ એપાર્ટમેન્ટમાં રહેતા સંતોષ નામના શખ્સે હત્યા નિપજાવી હતી. હત્યા કર્યા બાદ આરોપીએ ક્રૂરતાપૂર્વક મૃતદેહને ટુકડા કરી થેલીમાં ભરી લાશને સગેવાગી કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, જ્યારે બીજી તરફ પોતાની વાલસોઈ બાળકી હવે આ દુનિયામાં રહી ન હોવાથી પિતાને જાણ થતાં પિતાએ પણ ફિનાઇલ પી લઈ આત્મહત્યાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. પિતાને તાત્કાલિક સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડાયા હતા, જ્યાં સારવાર દરમિયાન તેમનું મોત નિપજ્યું હતું. દાદરાનગર હવેલીના નરોલી ગામના એક એપાર્ટમેન્ટમાં શુક્રવારે બપોરે 3-4 કલાકે કમ્પાઉન્ડ 3-4 બાળકીઓ રમી રહી હતી, ત્યારે એપાર્ટમેન્ટમાં જ એક ફ્લેટમાં રહેતો એક બેચલર યુવક 4 વર્ષની બાળકીને તેના ફ્લેટમાં લઈ ગયો હતો અને સાંજે એપાર્ટમેન્ટના કમ્પાઉન્ડના બાળકીને પરિવારજનોએ બાળકી ન મળતા પરિવારજનો ચિંતામાં મુકાયા હતા અને રમતી બાળકીઓની પૂછપરછ કરતા એપાર્ટમેન્ટમાં જ રહેતો સંતોષ નામના વ્યક્તિ બાળકીને તેની સાથે લઈ ગયો હોવાની વાત કરી હતી. આ ઘટનાની જાણ દાદરાનગર હવેલીના પોલીસ વિભાગને થતા હતા. પોલીસ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચીને આગળની તપાસ હાથ ધરી હતી. ઘટનાસ્થળ ઉપર એપાર્ટમેન્ટમાં આવેલા તમામ ફ્લેટ ચેક કરતા બાળકી મળી ન હતી. પોલીસે 109 નંબરના ફ્લેટમાં રહેતા યુવકની પોલીસે કડકાઈથી પૂછપરછ કરતા બાળકી તેની પાસે ન હોવાનું જણાવ્યું હતું. જોકે આરોપીએ પોતાના ફ્લેટના બાથરૂમની બારીમાંથી બાળકીની લાશને થેલામાં ભરી ડોક યાર્ડમાં ફેંકવાનો પ્રયાસ કરતો હતો. તે દરમિયાન સ્થાનિક લોકોએ જોઈ લીધો હતો. ઘટનાની જાણ પોલીસને થતાં પોલીસે આરોપી સંતોષની અટકાયત કરી આગળની તપાસ હાથ ધરી છે. 12 માર્ચ કો એક ઇન્સાનિયત કો શર્મસાર કર દેને વાલી ઘટના દાદરાનગર હવેલી ડિસ્ટ્રિક્ટ મેં હુઈ હૈ. ઘટના કા વિવરણ ઇસ પ્રકાર હૈ. લગભગ કલ 3-3:30 બજે નરોલી ગામ મેં એક બચ્ચે કી મિસિંગ કો અપને પેરેન્ટ્સ ને નોટિસ કિયા થા. ઉસકે પશ્ચાત વો 4:20 કો વો નરોલી ચોકી પહોંચે और 4:30 बजे पुलिस के साथ वहाँ उस बिल्डिंग का, जिस पर्टिकुलर बिल्डिंग में ये फैमिली रहती थी, उसका सर्च शुरू किया और शाम होते होते आफ्टर थरो सर्च ऑफ द बिल्डिंग, जिसमें लगभग 40 फ्लैट्स हैं, सारे फ्लैट सर्च किए गए और उसके बाद ये पता चला कि जिस बिल्डिंग में, जिस ब्लॉक में ये फैमिली रहती थी, उसके एडजॉइनिंग ब्लॉक में एक सस्पिशियस व्यक्ति वहाँ पे था. दरवाज़ा पुलिस ने जब खोलने के लिए जब उसको मजबूर किया तो उसने दरवाज़ा खोला और सर्च के बाद पता चला कि बाथरूम में ब्लड स्टेन्स है कुछ. फर्दर और सर्च किया तो पाया कि जो टॉयलेट रूम से अटैच्ड एक शाफ्ट जो बिल्डिंग के टॉयलेट पाइप्स के लिए बनाया गया है, लगभग 2x2 की वो जगह, 2 फीट बाय 2 फीट की, उसमें एक बोरी में कुछ बड़ी जैसा दिखा. उसको निकालने के बाद ये पता चला कि ये उसी मिसिंग बच्चे की बॉडी है, जिसकी गला रेत कर हत्या कर दी गई है. इसके तुरंत पश्चात हमने रेप और मर्डर के तहत मुकदमा दर्ज किया अंडर सेक्शन 364, 302, 201, 376, 377 ऑफ IPC अलॉन्ग विथ 4 एंड 6, सेक्शन 4 एंड 6 ऑफ बॉक्सर एक्ट, और जिसपे सस्पिशन था उसका एक इंटरोगेशन के बाद ये उसने कन्फेस किया कि सेक्सुअल इंटेंशन से उसने उस बच्ची को रूम में खींच लिया था और उस पर रेप करने की कोशिश की थी. जब बच्ची ने छटपटाहट में आवाज़ निकाली होगी तो उसने उसकी गला रेत कर हत्या कर दी. हमने अक्यूज को अरेस्ट कर लिया है और एफएससी की टीम मौके पर है. जो भी एविडेंसेस वहाँ पे है वो सारे हम ले रहे हैं और पूरी कानूनी कार्रवाई हम कर रहे हैं. सर, जो आया है वो कहाँ कहाँ है, क्या नाम है सर उसका, क्या डिटेल्स है? ये व्यक्ति है संतोष बिट्टू रजक, उम्र इसकी 30 साल है. ये रहने वाला लोधना बाजार बच्चू सेंटर धनबाद डिस्ट्रिक्ट झारखंड का है और लगभग 2013 से वो यहाँ पे अलग अलग कंपनी में काम कर रहा है. एट प्रेजेंट ही इज़ वर्किंग विथ अलायंस कंटेनर कंपनी इन नखाल और इस पर्टिकुलर बिल्डिंग में वो पिछले 4 साल से रहता है.
इसका सर गुनाह को इतिहास अभी हम उसका सर्च कर रहे हैं, उस सेम नाम के काफ़ी सारे एक्यूज मिले हैं, तो हम उसको और एनालाइज करके देख रहे हैं कि क्या इसमें से वो कौन सा है। सर वो लड़की के बाप ने क्यों आत्महत्या तो जब ये संज्ञान में आया वो उन्होंने जब देखा और जब ये पुलिस अपनी सारी कार्रवाई कर रही थी तो मीनवाइल उन्होंने अपने घर में जाके फिनाइल पी लिया था और उसके चलते आज मॉर्निंग में उनकी भी डेथ हो गई। इसमें पहले भी कहीं सोसाइटी में किसी को छेड़ने की बात आ रही है? पुलिस के संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है। सर रेप हुआ है, कंफर्म हुआ, प्राइम अभी जस्ट पोस्टमार्टम अभी कंक्लूड हो ही रहा है, बट इंटेंशन वाज सेक्सुअल ऑफेंस ओनली, तो बाकी बातें अभी पोस्टमार्टम के बाद पता चल पाएगी, कंक्लूसिवली हम तभी बता पाएंगे। सर जो आरोपी रहता था उसके साथ और कोई रहता है, उसका कोई फ्रेंड? एक उसका और साथी था, बट वो उस वक्त जो है कंपनी में गया होता, ये अकेला ही वहाँ। सर हत्या चाकू से किया हुआ ऐसा लगता है, इंजरी के देखते हुए। और कितने बच्चे हैं सर उसके, दूसरे बच्चे भी? उस फैमिली का अभी डिटेल आना बाकी है, बिकॉज दे आर ऑल इन बहुत शॉक में है सब लोग, तो अभी बहुत ज़्यादा डिटेल हमने फैमिली का आने बाकी है।